हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे जर्नी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल चार अपडेट की और चार कॉल रिकॉर्डिंग की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर सुनिएगा। ये देखिए, उत्तर रेलवे की तरफ से बड़ौदा हाउस नई दिल्ली की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आ गया है दोस्तों। 12 जून 2020 की डेट को ये डिस्पैच किया गया था और कल की डेट में ये ज्वाइनिंग लेटर कैंडिडेट को मिल गया है। विषय देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा चयनित जूनियर इंजीनियरिंग ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और लेवल 6 है दोस्तों इनका। तो ये दोस्तों इनका जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन का ज्वाइनिंग लेटर है और इनको 1 जुलाई 2020 को रिपोर्टिंग करनी है 345 नंबर कमरे में बड़ौदा हाउस। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका सेकंड पेज। इसमें बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसमें ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेशन फॉर्म, इंडिम्निटी बॉन्ड और IFSC कोड, बैंक पासबुक, ये सभी चीज़ इसमें लेके जानी है दोस्तों कैंडिडेट को। तो आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड अपडेट। ये है जूनियर इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन का ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों। इसमें कैटेगरी नंबर 64, ये है RRB मुंबई की तरफ से, SNT डिपार्टमेंट की तरफ से ये ज्वाइनिंग कैंडिडेट को सेंड की गई है। ये देखिए, पुणे डिवीज़न है दोस्तों सेंट्रल रेलवे का और इसमें इनके ईमेल के माध्यम से ये ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया है, जूनियर इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन SNT डिपार्टमेंट। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कैंडिडेट को कब बुलाया गया है। सब्जेक्ट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर और इनको दोस्तों ये बताया गया है कि 4 जून 2020 को रिसीव्ड इन द ऑफिस यू हैव मे अपॉइंटेड इन द टर्म एंड कंडीशन, और ये टर्म एंड कंडीशन बताई गई है दोस्तों। और इनको 10 जुलाई 2020 को 10 बजे along with all original documents if you do not report to the division railway manager personal। इसमें बताया गया कि अगर ये कैंडिडेट रिपोर्ट करने में असमर्थ होगा तो इनको ये मान लिया जाएगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है इन द अपॉइंटमेंट और इनका अपॉइंटमेंट क्लोज कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। ये है DRM दिल्ली के द्वारा दिया गया ट्वीट। इसमें कैंडिडेट ने पूछा था कि दिल्ली एंड अम्बाला डिवीज़न में कब से ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी दोस्तों, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो गया टाइम। तो देखते हैं DRM दिल्ली ने क्या रिप्लाई दिया। इन्होंने रिप्लाई दिया है कि ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ विल बी शेयर्ड इन फ्यू डेज, यानी कि ज्वाइनिंग प्रोसेस है जो वो कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी और सबके पास ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये अपडेट। ये है रेल मंत्रालय की तरफ से। इसमें बताया गया है कि जो ALP एंड टेक्नीशियन की 64,371 टोटल पोस्ट निकली थी, उनमें से 56,378 का पैनल आ गया है और बाकी की NEC पोस्ट रह गई हैं और विदहेल्ड कैंडिडेट रह गए हैं। तो इनमें से 46,420 कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया गया है और अभी टोटल कुछ ही कैंडिडेट बचे हैं जिनका अभी लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया, लेकिन लॉकडाउन की बस रियायतें धीरे धीरे खुलते ही इनको भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और इनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। और इसमें अब NTPC के बारे में भी बताया गया है कि NTPC में 1.25 करोड़ टोटल फॉर्म फिल हुए थे। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी अपडेट। आइए सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग, जो कि टोटल 4 हैं, तो कंप्लीट सुनिएगा कॉल रिकॉर्डिंग्स को। हाँ बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ बोल रहे कि हम लोग का मतलब TRD हो चीज सोलापुर का सर, मतलब कब तक आ जाएगा ज्वाइनिंग? आ जाएगा जुलाई, अगले महीने तक का बुला रहे तुम्हारा। अच्छा, अगले महीने तक सर? नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा, 2-3 हफ्ते में लेटर आ जाएगा, आपको मेल कर देंगे। अच्छा, 1-2 हफ्ते में मेल? हाँ हाँ, 1-2 हफ्ते में नेक्स्ट मंथ का ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, ठीक। और आते हैं तो पास लेकर और हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर आना है। अच्छा सर, क्या चाहिए? पास? ई पास होता है ना, ई पास? हाँ हाँ, ई पास। हाँ, ई पास लाना है और तुम्हारा जो ग्रुप होगा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। हाँ, तो जो भी आएगा वो ई पास और हेल्थ सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आएगा कि मैं फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोविड नहीं है। अच्छा सर, तो ई पास के लिए आप ले दीजिएगा, तब ना DM सर को अप्लाई करना पड़ेगा ना सर? ई पास तुम लोग ऑनलाइन करो, तुम्हारे जिला में देखो, पता करो। अच्छा, तब उनको हम प्रूफ क्या देंगे सर? जैसे मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा आप भेजिएगा, तब हम लगाएंगे साथ में कि मेरा ज्वाइनिंग है सर, हमको ई पास अलाउ किया जाए। कुछ तो कागज बताना पड़ेगा ना? आपको बताना पड़ेगा तो मैं रेलवे के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ, जैसे तुम्हारा मेल आ जाएगा। हाँ हाँ, मेल के बाद। हाँ हाँ, बस उसके बाद अप्लाई करना। हाँ हाँ हाँ, मेल के बाद। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। 62 पीटर का आपको आएगा जुलाई में, अभी लेटर 1 हफ्ते में मिल जाएगा। तो ज्वाइन कब होंगे हम लोग? जुलाई जुलाई में फिटर का होगा, 62 का।
ठीक है सर, अब आएगा सर एक हफ्ते के अंदर। ठीक, थैंक यू सर। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, ये मैं आरआरबी जेई का कैंडिडेट बोल रहा हूँ सर। जेई किसमें सर? पीवे का। पीवे का, अच्छा जी सर। सर वो पूछ रहा था हमारा डिवीजन अलॉटमेंट कब तक होगा सर? देखो इसे काम हो रहा था लॉकडाउन के पहले। जी सर, जी सर। पीवे में जरूरत थी हम लोगों को जी, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम रुक गया था। अभी फिर से हम लोग पिकअप कर रहे हैं, देखते हैं कब तक होता है सर। जी सर, बीच बीच में देखते रहो, वेबसाइट देखते रहो, डिवीजन अलॉटमेंट होगा उसमें डाल दिया। जी सर, पिछली बार आपसे बात किया था सर, आपने 2 वीक्स बोला था, इसलिए मैं सोचा। तो उस समय था कि हो जाएगा, ये पीवे में जरूरत था हम लोग को बड़ी थी। जी सर, लेकिन इसके कारण काम काफी अफेक्ट हुआ है। जी सर, जी सर। ठीक है सर। हेलो यार। नमस्ते सर। नमस्कार, बोले सर। कैटेगरी नंबर 59 का लेटर कब तक आने की उम्मीद है सर? अरे भेज दिया जाएगा यार, तुम लोग कहाँ एकदम 59 वाले फोन कर रहे हो बार बार। जुलाई में सबको नौकरी दे देंगे, परेशान जी बता दो। बता दिया ना, जुलाई में भेज देंगे नौकरी में। और फोन मत करो, सबको बता दो 59 कैटेगरी में, जुलाई में बुला लेंगे। जुलाई में बुला लो, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये बार बार फोन आया तो फिर हम भेजेंगे नहीं लेटर। नहीं ठीक है, ठीक, ग्रुप में डाल दूंगा सर मैं। ठीक है, ग्रुप में डाल दो, जुलाई में 7 जुलाई से बुला रहे हैं सबको। ठीक है, थैंक यू सर।